हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वी में। और सब कुछ एक साइड में रख के मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू आपके इतने प्यार के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं 50 सब्सक्राइबर्स। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये आपको कम लगते हैं, दूसरे लोगों को कम लगते हैं या ज़्यादा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपके इस अप्रिसिएशन के लिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टच स्क्रीन्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी टेक्नोलॉजीज़ में आप टच स्क्रीन्स को यूज़ करते हैं, तो ऐसे में टच स्क्रीन का आप यूज़ करते हैं रोज़, तो आपने कभी ना कभी सोचा तो ज़रूर होगा, आपके मन में कभी ना कभी क्वेश्चन तो ज़रूर पुटअप हुआ होगा कि ये टच स्क्रीन आखिर वर्क कैसे करती है। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इसी टच स्क्रीन के बारे में, ये टच स्क्रीन किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो हम जो गैजेट्स यूज़ करते थे उसमें ही हुआ करती थी कीज़, यानी आप जो है बटन्स को प्रेस करके अपने जो गैजेट है उसे करा करते थे ऑपरेट। तो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपके सामने आई टच स्क्रीन, जो कि सबसे पहली टच स्क्रीन थी। वो कोई ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी, ऑब्वियसली सबसे पहला प्रोडक्ट तो कोई ज़्यादा फाइनली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो सबसे पहली टच स्क्रीन आपको सामने देखने को मिली थी उसको अगर आपने कभी यूज़ किया हो, क्योंकि मैंने पर्सनली शायद 2012 में मेरे पास एक फ़ोन था जिसका नाम था नोकिया C203, वो टच एंड टाइप दोनों था। तो उसमें जो टच स्क्रीन थी उसे जो है फोर्सफुली टच करना पड़ता था। आपने भी कभी ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि आपने कभी अगर टच स्क्रीन को टच किया हो और उसे जो है फोर्सफुली टच करना पड़ता था, क्योंकि उस जो स्क्रीन थी उसे दबाना पड़ता था, प्रेस करना पड़ता था बिल्कुल बटन्स की तरह। लेकिन इतना ज़्यादा बटन्स को जितना पावर से दबा जाता उतने पावर से नहीं दबाया जाता था उस टच स्क्रीन को, लेकिन उसे प्रेस किया जाता था तभी वो टच स्क्रीन वर्क करती थी। लेकिन आज के टाइम्स में जो आप देखते हैं स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, पीसीज में जो टच स्क्रीन देखते हैं, उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर से अप्लाई करके अपने टच स्क्रीन को यूज़ नहीं करना पड़ता है, सिंपली आप सिर्फ टच कीजिए, क्योंकि नाम टच स्क्रीन है तो ये ऑब्वियसली काम भी टच से ही करना चाहिए। तो ये जो दो तरीके की मैंने आपको टच स्क्रीन्स बताई, तो उसमें सबसे पहली जो प्रिमिटिव टच स्क्रीन्स जो मैंने आपको पहले टाइप की बताई जिन्हें प्रेस करना पड़ता था टच स्क्रीन को, तो वो टच स्क्रीन्स कहलाती हैं रेसिस्टिव टच स्क्रीन, यानी कि आप प्रेस करेंगे तभी वो काम करती हैं, आपको जो है उसके अगेंस्ट रेसिस्ट करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट आपको कुछ वर्क करना पड़ता है। खैर ये तो फिजिक्स की लैंग्वेज है, वर्क डन वगैरह, लेकिन आपको जो है उसे प्रेस करना पड़ता है सिंपल लैंग्वेज में। तो ये प्रेस की वजह से काम क्यों करती है, तो उस बारे में पहले बात करते हैं। तो यहाँ आप अगर इस टच स्क्रीन के बारे में गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ आपको दो लेयर्स देखने को मिलती हैं, एक होती है कंडक्टिव लेयर और दूसरी होती है रेसिस्टिव लेयर। और इन दोनों, ये जो दो लेयर्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे बॉल्स होती हैं ताकि इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन बना रहे। जो बॉल्स होती हैं उन्हें कहते हैं स्पेसर्स। तो जब आप इधर की साइड से टच करते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये जो रेसिस्टिव लेयर है और ये जो कंडक्टिव लेयर है, मैं आपको बता दूँ ये जो कंडक्टिव लेयर होती है, इस कंडक्टिव लेयर में जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता रहता है। तो ऐसे में जैसे जो अगर आपने टच नहीं किया है तो कंटिन्यूसली सेम तरीके से जो है चार्ज फ्लो करता रहेगा पूरी शीट पे, लेकिन अगर आप इसे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद क्या होता है, ये जो स्क्रीन है ये इस तरीके से टच हो जाती है। इससे टच होने के बाद जिस जगह टच होती है स्क्रीन उस जगह पे जो करंट का वेरिएशन पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में जहाँ पर जो है ये वाली रेसिस्टिव टच रेसिस्टिव स्क्रीन जो है वो इस कंडक्टिव स्क्रीन से टच होती है, वहाँ पर जो है आपको करंट में वेरिएशन या फिर करंट में कुछ फेरबदल देखने को मिलता है, जिसे कि उस फोन के चार कॉर्नर्स पे सेंसर्स होते हैं उनसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि किस जगह पर जो है वो करंट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, जो करंट में चेंज आया है वो किस पॉइंट पर आया है एक्चुअली स्क्रीन पे, और उस पॉइंट के नीचे क्या चीज़ थी जिसे यूज़र जो है टच करना चाहता था, जिसे ऑपरेट करना चाहता था। उन सेंसर्स को यूज़ करने का कमांड आपके पूरे स्क्रीन से चली जाती है अंदर सर्किट बोर्ड में, उसे प्रोसेस करने के बाद आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलता है सामने स्क्रीन पर। तो इनमें दिक्कत क्या थी, ऑब्वियसली सबसे पहली बात आपको इसे दबा के टच करना पड़ता था, और इनके क्योंकि ये जो रेसिस्टिव टच स्क्रीन्स थी तो इनमें जो है बहुत सारी लेयर्स एक्चुअली हुआ करती थी, तो जो लाइट वगैरह थी वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी और जो आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता था वो कोई ज़्यादा अच्छा खास नहीं मिलता था। लेकिन ये जो रेसिस्टिव टच स्क्रीन्स हैं ये आपको अभी भी देखने को मिलती हैं बैंक एटीएम्स में और बाकी काफ़ी जगहों पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि
पहले ये जो ऑब्वियसली टच स्क्रीन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती है अपने काम में, यानी कि ये जो टच स्क्रीन्स होती हैं इन्हें आप अगर टच करेंगे तो ऑब्वियसली ये इस तरीके से टच हो रहा है तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो जितना एरिया टच होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा एरिया टच हो जाए, तो ऐसे में जो है कहीं टच करेंगे और कहीं और टच होगा, ऐसी प्रॉब्लम भी इन रेसिस्टिव टच स्क्रीन्स में देखने को मिलती थी। तो बैंक एटीएम्स वगैरह में जो है इन्हें यूज़ किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उस पर बड़ी स्क्रीन होती है, बड़ी स्क्रीन के साथ उसमें ऑप्शंस भी कोई दो तीन चार ही होते हैं बड़ी स्क्रीन पे, तो ऐसे में जो है ये प्रॉब्लम वहाँ देखने को नहीं मिलती। और साथ ही साथ ये ड्यूरेबल होती है एक्चुअली, इन्हें ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, ड्यूरेबल होती है। अगर आपका फ़ोन वगैरह नीचे गिरता है, आपका डिवाइस नीचे गिरता है, तो ये वियर एंड टीयर को थोड़ा बहुत टॉलरेट कर देती है, थोड़ा बहुत झेल लेती है आपके वियर एंड टीयर तो फ्रेंड्स को। ये तो बात हो गई हमारे रेसिस्टिव टच स्क्रीन की जो आपको पुराने फोन्स में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के जो नए स्मार्टफोन्स हैं नए गैजेट्स हैं उनमें आपको देखने को मिलती है एक नई तरीके की टच स्क्रीन, जिसमें कि आपको कोई प्रेस वगैरह नहीं करना पड़ता, कोई दबाना नहीं पड़ता, सिंपल आप सिर्फ टच कीजिए और आपके कमांड को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। तो ये जो टच स्क्रीन्स होती हैं इन्हें कहा जाता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स। ये जो दरअसल है, अगर आपने गौर किया हो कभी, अगर ट्राई किया हो, मान लीजिए कोई भी इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है या फिर मान लीजिए कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, फॉर एग्जांपल ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ, यही रखा था मेरे पास, तो इसे ले लेते हैं। तो ये जो अगर आप इससे उस पर टच करेंगे उस स्क्रीन पे, नए स्मार्टफोन्स वगैरह जो आज की जो टच स्क्रीन है उस पर टच करेंगे इससे, तो आपके ऑर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, यानी जो आपका जो स्क्रीन है वो टच को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बता दूं, इन टच स्क्रीन्स को यूज़ करने के लिए आपको कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो कि कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, यानी जो चार्ज को कंडक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन, यानी आपके जो फिंगर्स वगैरह होती हैं, आपको ऑब्वियसली पता होगा, आपको आपकी बॉडी जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि आपके बॉडी के अक्रॉस जो है करंट फ्लो किया जा सकता है। जैसे लाइव एग्जांपल, अगर आपको कभी करंट लगा हो तो आपको पता चल जाएगा, तो आपकी जो बॉडी होती है वो कंडक्टिंग होती है। तो ऐसे में अगर आप टच करते हैं तो चार्ज वगैरह जो है उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो आप टच करते हैं कंडक्टिंग चीज़ से ही ये रिकॉग्नाइज होती है। पुराने स्टाइलस अगर आप देखेंगे तो पुराने स्टाइलस जो नोकिया के फ़ोन्स में हुआ करते थे, लंबे से फ़ोन आते थे नोकिया के, उनमें एक स्टाइलस मिलता था, वो सिंपली प्लास्टिक का होता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप स्टाइलस लेंगे तो उसमें आपको कंडक्टिंग मटेरियल ज़रूर मिलेगा, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, इलेक्ट्रिसिटी को करंट को अपने अंदर फ्लो होने देता हो, तो उन्हीं की वजह से वो स्टाइलस जो है कंडक्टिंग होते हैं, इसी वजह से जो है उन टच स्क्रीन्स में वो काम कर पाते हैं। यहाँ पर दरअसल होता क्या है कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स में, उस बारे में बात कर लेते हैं। ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स में आपको वही लेयर्स देखने को मिलती हैं, चार्ज का सारा वही काम है जो रेसिस्टिव टच स्क्रीन्स में होता था, लेकिन यहाँ पर जो है जो आपको कंडक्टिव लेयर यहाँ पीछे देखने को मिलती थी, यहाँ जो रेसिस्टिव टच स्क्रीन्स हुआ करती थी, रेसिस्टिव टच स्क्रीन्स में यहाँ कंडक्टिंग लेयर होती थी और ये होती थी आपकी रेसिस्टिव लेयर, दोनों के बीच में स्पेसर से बीच में स्पेस बना होता था, आप टच करते तो इस तरीके से टच होती थी। लेकिन कैपेसिटर्स में क्या होता है, आपका जो चार्ज है वो आपके ऊपर वाली जो लेयर होती है वहीं पर फ्लो करता रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जैसे ही आप अपनी फिंगर से टच करते हैं, फिंगर से आपने अपनी स्क्रीन को टच किया, तो क्योंकि वहां पर चार्ज फ्लो हो रहा है, जिस जगह आपने टच किया वहां पर आपको पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलता है, यानी चार्ज में चेंजमेंट देखने को मिलता है, कुछ जो चेंज है वो चार्ज में आता है। तो वो चार्ज कोरोना वहाँ भी सेंसर्स होते हैं, उन सेंसर्स जो है पता लगाया जाता है आपने किस जगह जो है पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, वहाँ पर कहाँ पर चार्ज में चेंजमेंट आया है, वहाँ से रिकॉग्नाइज करके आपको आपकी कमांड को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपके कमांड को प्रोसेस किया जाता है और आपको आउटपुट दिया जाता है वहीं डिस्प्ले पे। तो सिंपली बात यही है कि रेसिस्टिव टच स्क्रीन्स में जो है आपको एक बीच दो लेयर्स में, यहाँ पर रेसिस्टिव लेयर होती थी जैसे आपको फोर्सफुली टच करना पड़ता था, लेकिन यहाँ जो आपको नई टच स्क्रीन देखने को मिलती है वहाँ से आपको आपको ऊपर अपर लेयर में ही सीधे आपको देखने को मिलती है कंडक्टिंग लेयर। तो कंडक्टिंग लेयर पे आप डायरेक्ट टच करते हैं और डायरेक्ट टच करने से ये रिकॉग्नाइज किया जाता है आपकी कमांड को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा टच स्क्रीन किस तरीके से वर्क करती है। आगे आप अगर आप यूज़ करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी को, आपको पता होगा कि किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, और मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में क्यों पसंद नहीं आया आपको वीडियो। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन सजेशन या फिर वीडियो टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।